हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी हाइट्स पर। मैं हूँ कियस तोमर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिसंबर 2022 के टर्म एंड एग्ज़ाम के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म इग्नू ने रिलीज़ कर दिए हैं। बट काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है टर्म एंड एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप स्टेप टू स्टेप दिसंबर 2022 एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर दिसंबर्स के अलावा आप कभी भी इग्नू में एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं तो किस तरीके से आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना चाहिए, वो सभी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी हम इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप यहाँ पर अगर नीचे जाएंगे अलर्ट सेक्शन में, तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन। फिलहाल ये ऑप्शन यहाँ पर अलर्ट सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है, बट अगर आप बाद में कभी भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं तो हो सकता है कुछ दिनों बाद अलर्ट सेक्शन में से ये ऑप्शन आपको ना दिखाई दे। तो इसके लिए मैं आपको एक URL बता रहा हूँ, जिसको आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के पेज पर आ जाएंगे। URL है exam.ignu.ac.in। इस URL को अगर आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करेंगे तो आप सीधा इसी पेज पर रिडायरेक्ट होंगे जिस पेज पे आप अभी हैं, फिलहाल जो पेज आपकी स्क्रीन पर है। इस पेज पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले पेज ओपन होते ही आपको इम्पोर्टेंट नोट मिलता है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन सभी इंस्ट्रक्शन को आप केयरफुली पढ़ लें। बाकी जितने भी एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन सभी के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो कल ही अपलोड करी थी अपने चैनल पर। आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम फॉर्म भी ईजिली भर पाएंगे। सो फिलहाल यहाँ पर आपको नीचे राइट साइड कॉर्नर में नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा क्लोज का ऑप्शन, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करें और इसको क्लोज कर लें। क्लोज करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो डेट है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की वो 30 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक है, वो भी विदाउट लेट फीस। और जो आपके एक सब्जेक्ट की जो फ़ीस आपको पे करनी होगी वो ₹200 पर सब्जेक्ट होगी। बाकी आप एग्ज़ाम सेंटर भी अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी कम्प्लीट लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप 31 अक्टूबर के बाद एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं यानी 1 नवम्बर से ले कर 15 नवम्बर तक, तो आपको लेट फीस चार्ज होगी, यानी कि ₹200 आपके सब्जेक्ट की फ़ीस, प्लस आपको ₹1100 एक्स्ट्रा पे करने होंगे एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए। नीचे यहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दी गई हैं, इन सभी को आप केयरफुली एक बार पढ़ लें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए आपका पूरा आपको क्लियर होना चाहिए कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो इन सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है जहाँ पर डिक्लेरेशन है, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपको राइट टिक करना है। देन आपको नीचे यहाँ पर प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म जो लिखा हुआ है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, जो आपका आईडी कार्ड में मेंशन होगा उसको आप फिल करें। देन है प्रोग्राम कोड, यहाँ पर आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, कौन सा प्रोग्राम आप इग्नू से कर रहे हैं, यानी कौन सा कोर्स आप इग्नू से कर रहे हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एग्जामिनेशन सेंटर रीजन चूज़ करना है, यानी कि किस रीज़न में आपको अपना एग्ज़ाम देना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा जिसमें काफ़ी सारे स्टेट्स मेंशन होंगे, उसको आप सिलेक्ट करें जहाँ भी आपको एग्ज़ाम देना है। सपोज़ डैट मुझे यहाँ पर दिल्ली में एग्ज़ाम देना है तो यहाँ पर दिल्ली ही चूज़ करूँगा। अगर आपको दिल्ली से बाहर कहीं और एग्ज़ाम देना है तो आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन नीचे आता है सिक्योर कोड। सिक्योर कोड आपको यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है R7RUM। इसी तरीके से आपकी स्क्रीन पर भी कोई और सिक्योरिटी कोड यहाँ पर होगा जो आपको ऊपर बॉक्स में फिल करना है, वो आप अपने आप फिल कर सकते हैं। देन आपको नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक जो प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो अभी आपके सामने होगी। जैसे मैंने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करा, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का सर्वर एरर मुझे दिखा रहा है, यानी कि अभी एग्ज़ाम फॉर्म फिल मैं नहीं कर पा रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, स्टार्टिंग डेज में ये प्रॉब्लम फेस होती है क्योंकि अभी काफ़ी
हैवी ट्रैफिक है इग्नू की वेबसाइट पे, जिस वजह से सर्वर क्रैश हो जाता है और इस तरह का मैसेज आपको देखने को मिल सकता है। सो आप दो तीन बार ट्राई करेंगे, अपना एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद सबमिट करेंगे, तो उसके बाद हो सकता है आपको नेक्स्ट स्टेप पे आप पहुंच जाएं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप जब भी एग्ज़ाम फॉर्म भरें या तो अर्ली मॉर्निंग भरें या फिर लेट नाइट ही एग्ज़ाम फॉर्म भरें, क्योंकि दिन में काफ़ी ट्रैफिक वेबसाइट पर होता है, जिस वजह से ये एरर देखने को मिल सकती है। सो मैंने दो तीन बार ट्राई करने के बाद मैं आखिर में नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचा, और नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप अपने एनरोलमेंट नंबर के साथ इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, स्टूडेंट नेम, ये ऑलरेडी सब चीज़ मेंशन होंगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो फिल करना है ऑप्शन वो है सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पर राइट साइड में सिलेक्ट का ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी लिस्ट होगी एग्जामिनेशन सेंटर की, क्योंकि मैंने दिल्ली NCR चुना था तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ दिल्ली NCR के जितने भी एग्ज़ाम सेंटर होंगे वो सभी लिस्ट में मेंशन होंगे। अगर आप कोई और स्टेट चुनते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिस्ट मेंटेन की जाती है। सो दिल्ली के अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक करा, यहाँ पर काफ़ी सारे सेंटर मुझे देखने को मिल रहे हैं, तो जो भी मेरे नियर बाई है, जो मुझे सुटेबल लगता है, उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। आप भी इसी तरीके से अपना एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको एड्रेस दिखाई देगा आपका, आपसे पूछा भी जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन में कि आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं या नहीं, तो मैं नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। देन जेंडर, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये आप ज़रूर फिल करें। देन उसके बाद है RUA PWD कैंडिडेट, आप इसको येस नो में सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नीचे आता है आधार कार्ड नंबर, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे फिल करें, अदरवाइज़ आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर आपको देखनी है, वो है आपके कोर्स कोड को लेकर। कोर्स कोड फॉर विच अपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और फेल्ड इन अर्लियर टर्म एंड एग्ज़ाम, फीस ₹200 पर कोर्स। यानी कि जो भी कोर्स के आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नीचे आप उन सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर ऑप्शन वन पर क्लिक करेंगे, एक लिस्ट ओपन होगी जिन सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, उन सभी सब्जेक्ट की। मुझे यहाँ पर ये सभी सब्जेक्ट दिखा रहे हैं, हो सकता है आपको कोई डिफरेंट सब्जेक्ट दिखाएं आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। देन आपको अपने वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं जिनका आपको एग्ज़ाम देना है। उन सभी को सिलेक्ट करने के बाद आप आगे ही प्रोसीड करें, उससे पहले आप आगे प्रोसीड ना करें। मुझे यहाँ पर सिर्फ दो सब्जेक्ट ही चूज़ करने थे, तो मैंने दो सब्जेक्ट चूज़ कर लिए हैं। आप चाहें तो और भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम 16 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हम एक बार में दे सकते हैं। देन उसके बाद ऑप्शन आता है नीचे जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर ध्यान दें। आर असाइनमेंट सबमिटेड और विल बी सबमिटेड बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ द अबव कोर्स। यानी कि जो सब्जेक्ट आपने ऊपर सेलेक्ट करे हैं, क्या आपने इनके असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं? अगर नहीं करे हैं तो आप लास्ट डेट से पहले इनके असाइनमेंट सबमिट करें, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यस सिलेक्ट होता है, तो आपको इन सभी के असाइनमेंट पहले से सबमिट करने होंगे। देन ये सभी चीज़ चेक करने के बाद नीचे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और दिए गए हैं, इनको आप एक बार केयरफुली पढ़ लें बिफोर सबमिटिंग योर एग्ज़ाम फॉर्म। देन उसके बाद नीचे लास्ट में सबमिट का ऑप्शन है, आप उस सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहां पर नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज है आपके कंफर्मेशन डिटेल्स के लिए, यहां पर आप अपनी सभी डिटेल्स को एक बार दोबारा से चेक करें, आपका एनरोलमेंट नंबर, नाम, एड्रेस, जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करे हैं वो सभी सब्जेक्ट, ईमेल एड्रेस, जो भी चीज़ें आप यहां पर जो आपने प्रीवियस पेज पर सिलेक्ट करी थी, उन सभी को केयरफुली एक बार दोबारा से करेक्ट कर लें कि आपकी सही है या नहीं है। ये सभी चीज़ें आपकी सही होने के बाद, जब आपको लगता है सब चीज़ें ठीक हैं, देन उसके बाद ही आप आगे यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज़ आप बैक जाकर दोबारा उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देख ली है मेरे सब्जेक्ट को, टोटल फ़ीस मुझे ₹400 दिखा रही है दो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब चीज़ें ठीक हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट सेक्शन जो इस पेज पर है, वो है सिलेक्ट पेमेंट गेटवे। यहाँ पर दो पेमेंट गेटवे है, ICICI बैंक का और दूसरा है HDFC बैंक का। यहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि सर हमारे पास ना ICICI बैंक का अकाउंट है, ना उस किसी तरह का कोई क्रेडिट कार्ड है, और ना ही मेरे पे HDFC बैंक का है। तो यहाँ पर ये दोनों बैंक सिर्फ गेटवे हैं, यानी कि सिर्फ पेमेंट रिसीव करने का माध्यम है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका
इन दोनों बैंक में से किसी में अकाउंट होना ज़रूरी है। आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, चाहे HDFC, ICICI बैंक या SBI, PNB, जो भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप पेमेंट कर पाएंगे। तो कोई भी आप इनमें से एक सिलेक्ट करें जो आपकी इच्छा हो। मैं यहाँ पर ICICI बैंक को सिलेक्ट करता हूँ और आगे प्रोसीड करता हूँ। आगे प्रोसीड करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाएगा आपका ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, जिसके थ्रू आपकी ट्रांजैक्शन होनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करें, क्योंकि इन केस अगर ट्रांजैक्शन फेल भी हो जाती है और आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है, तो इस रेफरेंस नंबर के जरिए आप इग्नू से कॉन्टैक्ट करके अपनी पेमेंट को वापस ले सकते हैं। सो इसको नोट डाउन आप ज़रूर से करिएगा। आप नीचे यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर, एग्ज़ाम सेंटर कोड, नेम, अमाउंट, सब चीज़ कंफर्म करें, देन पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करें। सो ये सभी चीज़ें कंफर्म है, मैं पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर पहला जो ऑप्शन मिल रहा है वो है UPI से पेमेंट करने का। ऊपर मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मेंशन है, नीचे एक QR कोड दिखा रहा है, इसको मैं शो QR पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने शो QR पे क्लिक करा, यहाँ पर ये मुझे मेंशन हो जाएगा। अब मैं अपने मोबाइल से बाय पेटीएम, बाय UPI, किस UPI से फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे या भीम ऐप के थ्रू स्कैन करके पेमेंट कर सकता हूँ, जो कि डायरेक्ट मेरे अकाउंट से कट जाएगी और मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बट मुझे यहाँ पर फीस सबमिट नहीं करनी है, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, प्रोसीजर समझाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। और साथ ही साथ ये भी बता दूँ, अगर आप UPI से पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो नीचे आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं, यानी आप अपने किसी भी कार्ड से, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, वॉलेट के थ्रू, यानी जो भी पॉसिबल मेथड्स हैं पेमेंट की, वो सभी यहाँ पर अवेलेबल हैं। देन आप पेमेंट करेंगे तो आपकी पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपका एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है किसी भी कोर्स के लिए। आई होप आपके लिए का प्रोसीजर काफ़ी ईजी रहा होगा समझना। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जल्द से जल्द वहाँ पर जवाब दूंगा, ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो भी इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनको भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्राइब किए बिना आपको कोई भी न्यू वीडियो हमारे चैनल पर या नई अपडेट इग्नू से जुड़ी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।